हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वैसे आज हमारे अपडेट पबजी मोबाइल का 0.9.0 अपडेट आ चुका है, जिसका मतलब हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो वो आ चुका है और उसके ऊपर ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूँगा यार, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहली बात है जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जैसे आपने अभी ग्राफिक्स में देख लिया होगा, इस अपडेट की सबसे पहली बात मुझे ये लगी, ग्राफिक्स में यार एक्सट्रीम ग्राफिक्स अनलॉक हो चुके हैं। और ये ना कि ना ही से मेरे, मुझे तो ऐसा लगता है हर किसी को चुके हैं, बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड को भी पूछा, उसने भी अपने अपडेट कर दिया है इस गेम को, तो उसका भी देखने में मिल गया कि एक्सट्रीम FPS उसके अनलॉक हो चुके हैं। और दूसरा कि जो मतलब जो डाइविंग एनिमेशन है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड की गई है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आप देख पाएंगे अभी वीडियो पे, मतलब अब ये देख पाएंगे गेम प्ले में कि जब ये कूदेगा तो जैसे, और हाँ ये मैक्सिमम अपना मतलब चाइनीज़ वर्जन की तरह कर दिया है। चाइनीज़ वर्जन में प्ले किया मैंने, खेला है चाइनीज़ वर्जन भी उसका पबजी मोबाइल का, तो वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। और मूवी फिल्टर भी आपको ग्राफिक्स में ऑप्शन मिल जाता है, आपको जो पिंग का मतलब आइकन था, पिंग इंडिकेटर था, पिंग इंडिकेटर वो पहले टॉप पे होता था, अब नीचे होता है बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, देख लेना आप, ये अब लैंड करूँगा जब मतलब लैंड होने वाला होगा बंदा, ये देखना, और ये देखो ये चेंज हो चुका है। उसके साथ साथ जो आपके कोऑर्डिनेट्स का ऊपर कंपास होता है वो भी चेंज हो चुका है, बिल्कुल 185 देखो बिल्कुल बीच में, अभी मेरे कंपास का वो इंडिकेटर है बीच में है, तो वो भी कोऑर्डिनेट पहले हम गैस करके बोल देते थे कि 120 और 140 के बीच में, अब वैसा नहीं है, अब आपको बराबर दिखेगा। हेलमेट के जो एनिमेशन है वो थोड़े चेंज हो चुके हैं, ब्लैक कलर का हेलमेट ये देख सकते हो आप, ये आ चुका है, पहले सिर्फ ग्रीन कलर का होता था, ये आ चुका है यहाँ पे। और हाँ इसके साथ साथ बहुत सारे ऑप्शन बहुत सारे आए हैं, उतना मैं बताऊँगा नहीं, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दूँगा कि सबसे अच्छा क्या क्या है और क्या क्या मुझे मस्त लगा। उससे साथ आप स्कोप चेंज कर सकते हो, अभी तो आपको स्क्रीन पर ऑप्शन ही दिख रहा होगा लेकिन जब दिख जाएगा वो भी आपको बता दिया होगा। अब FPP ड्राइविंग, यार गाड़ी ढूंढ रहा था मैं बहुत देर से, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो होपफुली मुझे आगे गाड़ी मिल जाएगी, वैसा नहीं है क्योंकि वॉइस ओवर बाद में दे रहा हूँ वीडियो को, तो गेम प्ले ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड हो चुका है। तो उसके साथ साथ अपडेट में और FPP जो मतलब थोड़ा सा FPP का जो कैमरा वैमरा था, पर बाकी ग्राफिक्स वो थोड़े से सुधर गए। और सबसे अच्छी बात यार वो जो ग्राफिक्स वाला लगा मुझे, एक्सट्रीम FPS मिला, हाँ हमें ऊपर से वो HDR या अल्ट्रा HD या वैसा कोई ऑप्शन, HDR ऑप्शन अनलॉक नहीं होंगे आपके अगर आपको फ़ोन लेवेंट डिवाइस भी है तो, बट आपको नीचे एक्सट्रीम FPS आई होप कि मिल चुका होगा। अगर आपका अपडेट हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार कि आपको हो चुका है। आई नो कि मैं वीडियो थोड़ी सी लेट डाल रहा हूँ 0.9.0 के बारे में, बहुत सारे लोगों ने पहले से ही इसके बारे में वीडियो डाल दिया, बट कोई बात नहीं, इतना सा कोऑपरेट तो करना चाहिए मुझे भी और आपको भी, कि मैं थोड़ा सा लेट इसलिए डाल रहा हूँ कि पूरा कन्फर्म होके मैं वीडियो बनाना चाहता था, ये नहीं कि बीटा के या पैच नोट पढ़ के, बिकॉज कुछ चीज़ें नहीं होती है। और हाँ स्कूटर की जहाँ तक बात की जाए कि साइन ऑफ में स्कूटर आएगा या नहीं आएगा, तो साइन ऑफ में स्कूटर नहीं आने वाला, तो ये देखो यहाँ पे ये गाड़ी मैंने ढूंढ ली, मैंने गेम प्ले को स्किप कर दिया, स्कूटर आपके साइन ऑफ में नहीं आएगा। हाँ रॉनी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये मैं FPP का थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देखो ब्रेक आइकन भी आ गया हमारे पास और रिलोडिंग के कुछ एनिमेशन चेंज हो चुके हैं, जैसे कि कारेल के तो मैंने देख लिया, और जहाँ तक मैं चाइनीज़ वर्जन का याद आता चाइनीज़ वर्जन में भी रिलोडिंग का एनिमेशन थोड़ा डिफरेंट था, बगी कुछ इस तरह से दिखेगी आपको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में। और आपने अभी तक अपडेट किया ही नहीं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसा लगा आपको अपडेट ये भी आप मुझे बताना कमेंट्स में। तो अभी देखो यहाँ पे जो क्विक स्कोपिंग का बटन था मैंने उसे प्रेस कर लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रेड डॉट लिखा हुआ है जो मैसेज आइकन के नीचे है। और हाँ आपको यहाँ पे जो क्या, हाँ ये आपकी जो पीकिंग सिस्टम है, आप पीकिंग सिस्टम में आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आपको मिक्स चाहिए, टैप चाहिए, रिलीज चाहिए, आपको ग्रेनेड के लिए भी वो काम करेगा बिल्कुल वैसे ही। और ये दोनों, ये आपको स्कोप के लिए भी मिलेगा, स्कोप के लिए भी मिलेगा आपको कि टैप में चाहिए, रिलीज में चाहिए या फिर मिक्स चाहिए। तो मिक्स में बेसिकली है कि आपको 0.3 सेकंड तक जब आप पीक के बटन को या स्कोप के बटन को होल्ड करके रखते हो तो वो फिर रिलीज में चला कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एक बार टैप करते हो तो वो टैप पे रहेगा। तो उसके साथ साथ और कोई मेजर चेंज तो नहीं दिख रहा, हाँ लैग में बहुत बड़ा सुधार आया है, लैग में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है, लैग बहुत कम हो रहा था, अब मे बी कि अभी उतने लोगों ने शायद अपडेट नहीं किया है तो उस कारण से लैग ना हो अभी, क्योंकि अभी बंदे कम हैं, बट लैग में सुधार आ चुका है। और इसके साथ साथ बाकी के छोटे छोटे मतलब अपडेट, जैसे कि जार्की में आप चले जाओगे तो वहाँ पे आपको एक पिकनिक स्पॉट मिल जाएगा, उसके ऊपर तो वीडियोस भी बहुत सारी बन चुकी हैं इंटरनेट पे, तो उसमें आपको पिकनिक स्पॉट भी मिल जाता है। और अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं होगे, आप होगे स्पॉन आइलैंड पे जो पहले होता था। और यहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स भी ऐड कर लिए गए हैं,
तो एनिमेशन यार मतलब थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, एफपीपी आई मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। पर चलो जो थोड़े बहुत से अचीवमेंट्स आ चुके हैं वो उन्हें देख लेते हैं एक दो। जैसे कि फिजिकल ट्रेनर है कंप्लीट द फॉलोइंग, ये देखो। उसके बाद हमारे पास आई फॉरेन आई वाली अचीवमेंट, और एक मेरी कंप्लीट हो गई व्हीकल वाली, वो यहीं पर है नीचे देख। और आपको यहाँ पे देखो मेन मेन्यू की थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, हॉन्टेड चाहिए या क्लासिक, और उसके बाद ब्राइटनेस का ऑप्शन भी है, और आपके एक्सट्रीम तो आप अनलॉक हो ही चुके हैं। तो यार आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद बेल आइकन दबाना, तो सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।